हाय फ्रेंड्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आई एम बलराम गुर्जर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन नव भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर। तो दोस्तों, आज मैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान भाग 10 को लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि हम पिछली कक्षा में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम, उसकी आकृति, स्थिति, निर्माण, इन सब पर हमने फिर से चर्चा की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जब उपनाम की बात करते हैं तो दुर्गों का सिरमौर के नाम से भी जाना जाता है, मालवा का प्रवेश द्वार के नाम से भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना जाता है, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार के नाम से भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को माना जाता है, और इसके अंतर्गत 3 शाखा हुए थे जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं, यानी कि 1303 में पहला शाखा हुआ था, उसके बाद 1534 और 35 में दूसरा शाखा हुआ था, और 1567 में तीसरा शाखा हुआ था। इन शाखाओं के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अलावा उसकी स्थिति की बात करते हैं तो इसकी जो स्थिति है वो, यानी बेड़ाच और गंभीरी नदी के संगम पर 620 मीटर ऊंचे मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, और इसकी आकृति व्हेल मछली की तरह है, और इसका जो निर्माण है वो वीर विनोद पुस्तक के अनुसार इसका जो निर्माण कार्य है वो चित्रांगन ने करवाया था। और दूसरा इसका जो उल्लेख मिलता है वो ये मिलता है कि इसका जो, यानी कुमारपाल प्रबंध करके पुस्तक है जिसका नाम, उसमें इसका उल्लेख चित्रांग ने करवाया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके अलावा अधिकांश इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, और महाराणा कुंभा के द्वारा अधिकांश दुर्ग का निर्माण करने के कारण आधुनिक निर्माणकर्ता जो माने जाते हैं वो महाराणा कुंभा ही माने जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की विशेषताएं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और इसकी विशेषता क्या क्या है, यानी विशेषताएं के बारे में चर्चा करेंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की जब हम विशेषता की बात करते हैं तो सबसे पहली जो विशेषता है कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान के अंतर्गत जो कि बेडज और गंभीर नदियों के संगम पर सर्वश्रेष्ठ राजस्थान का गिरी दुर्ग है। तो ये एक इसकी विशेषता बन जाती है क्योंकि ये दोनों नदियों के संगम पर राजस्थान का सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग है। दूसरी इसकी जब हम विशेषता की बात करते हैं तो राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो एकमात्र आवासीय दुर्ग है। आवासीय दुर्ग होने के साथ साथ राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। इसके अलावा इसकी जो विशेषता है वो यह है कि सबसे पहले इस पर जो आक्रमण करने वाले थे वो अफगानिस्तान के सूबेदार मामू थे जिन्होंने इस पर सबसे पहले आक्रमण किया था। एक इसकी विशेषता बनती है कि 2013 में यूनेस्को द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यह इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि 2013 में इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। इसके अलावा 2018 में भारत सरकार द्वारा चित्तौड़ दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये सब इसकी दोस्तों क्या है, विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का बेडच और
गंभीरी नदियों के संगम पर बना सर्वश्रेष्ठ गिरिदुर्ग है। सर्वश्रेष्ठ गिरिदुर्ग है। यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का बेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर बना सर्वश्रेष्ठ गिरी दुर्ग है। ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता बनती है। इसके अलावा राजस्थान का आवासीय दुर्ग है। आवासीय दुर्ग है। अब आवासीय दुर्ग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि इसके अंतर्गत लोग आज भी निवास करते हैं। एक इसके अलावा जैसे भरतपुर दुर्ग है, वो भी अपने आप में आवासीय दुर्ग की श्रेणी में आता है। इस बात से आपको जान लेना चाहिए, आवासीय का मतलब वह दुर्ग जिसमें लोग निवास करते हैं। तो राजस्थान का आवासीय दुर्ग है कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब हम चित्तौड़गढ़ की विशेषता पढ़ रहे हैं तो केवल चित्तौड़गढ़ के बारे में जानेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खेती की जाती है। खेती की चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खेती की जाती है। कहने का मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जिसके अंतर्गत खेती भी की जाती है। ये पिछली कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके अंतर्गत खेती की जाती है, तो वो एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिसमें खेती की जाती है। इसके अलावा वीर विनोद श्याम मलदास की जो पुस्तक है उसमें एक पंक्ति की गई है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के बारे में। एक पंक्ति दी गई है, वो क्या दी गई है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बताया गया है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ और सब गढ़िया। ये वीर विनोद पुस्तक में उल्लेखित एक पंक्ति है। उस पंक्ति क्या पंक्ति है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। यानी कि इस पंक्ति का उल्लेख चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में किया गया है। नेक्स्ट है इसकी विशेषता, इस दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने किया था। वो एक बात अलग है कि जब तीन शाखा हुए थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तब आक्रमण अलग अलग आक्रमणकारियों ने किए। यानी कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इसका जो दूसरा आक्रमण हुआ था वो 1534 में हुआ था और तीसरा जो आक्रमण हुआ था वो 1567 में हुआ था। इसका हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे, जो कि इन तीनों आक्रमणों में शाखा
हुआ था। इन तीन शाखा के लिए भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसकी जब विशेषता की बात करते हैं तो 2013 में यूनेस्को द्वारा इस दुर्ग को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। यानी कि इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है वो क्या है कि इस 2013 में यूनेस्को द्वारा इस दुर्ग को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है इसकी विशेषता, 2018 में भारत सरकार द्वारा इस दुर्ग पर ₹12 का डाक टिकट जारी किया गया था। कहने का मतलब इस दुर्ग पर 2018 में डाक टिकट जारी किया गया था ₹12 का, और 2013 में यूनेस्को द्वारा इस दुर्ग को विश्व धरोहर की श्रेणी में रखा गया था, यानी विश्व धरोहर घोषित किया गया था। अब बात करते हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो तीन शाखा हुए थे उनके बारे में। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तीनों शाखाओं को हम जब विस्तृत अध्ययन करेंगे तो सबसे पहला जो शाखा हुआ था वो हुआ था 1303 में, और 1303 में प्रथम शाखा हुआ था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रथम शाखा। इस प्रथम शाखा की विशेषता थी कि इसमें जो जिनके बीच में युद्ध हुआ, यानी कि आक्रमणकर्ता कौन थे, मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी और किसके दूसरे जो शासक थे, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ जो युद्ध करने वाले दूसरे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शासक थे वो थे रावल रत्न सिंह। कहने का मतलब 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के शासक थे रावल रत्न सिंह, और इनकी जो रानी थी उसका नाम था, रानी का नाम था पद्मिनी, जो अत्यंत सौंदर्यवान थी, और इसी की लालच में आकर अपने प्रशासन को बढ़ाने के लिए और उस पद्मिनी को पाने के लिए मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। पद्मिनी देखिए दोस्तों, पद्मिनी दो प्रकार से लिख सकते हो आप, या तो ऐसे लिख सकते हो पद्मिनी, या फिर ऐसे लिख सकते हो पद्मिनी, दोनों ही सही है। जनरल नॉलेज में ये मैटर नहीं रखता, सबसे पहले बात आपको नाम याद होना चाहिए पद्मिनी।
तो कहने का मतलब मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर आक्रमण किया और अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजयी हुए और जब अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुए थे तो पद्मणि ने क्या किया था, जौहर किया था। इसमें जौहर किसके द्वारा किया गया था, पद्मणि के द्वारा। और पद्मणि के द्वारा जो जौहर किया गया था वो कब किया गया था, क्योंकि इसमें रावल रतन सिंह की सेना पराजित हो गई थी और गोरा और बादल दो सेनापति थे इसके, गोरा और बादल वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे, जिनका नाम था गोरा और बादल, दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए। और जब ये दोनों वीर गति को प्राप्त हो गए और ये समाचार जब पद्मणि को मिला तो पद्मणि ने जौहर किया और गोरा बादल से जो पद्मणि का रिश्ता था, यानी कि पद्मणि के गोरा बादल चाचा भतीजे लगते थे, दोनों चाचा भतीजे लगते थे जो कि रावल रतन सिंह की सेना में सेनापति थे, और उनके वीर गति को प्राप्त होने के बाद पद्मणि ने जौहर किया और जौहर होने के बाद जब जौहर और केसरिया दोनों हुए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ये 1303 वाला जो शाखा है वो प्रथम शाखा के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट है दूसरा शाखा, यानी कि यह हुआ था 1534 से 1535। अब 34-35 दोस्तों इसमें यूं आते हैं क्योंकि इसमें जो युद्ध की का जो कार्यकाल है वो 34 से लेकर 35 तक चला था, इसलिए इस शाखा का नाम 2034-35 माना जाता है, यानी कि इसकी जो समयावधि है वो है 2034-35। इसमें जो आक्रमणकारी थे वो थे गुजरात के शासक, गुजरात के शासक बहादुर शाह, बहादुर शाह। और दूसरे जो शासक थे उस समय जब चित्तौड़गढ़ के वो थे अल्पवयस्क विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य कैसे थे, बालक थे, 18 वर्ष भी उनकी पूर्ण नहीं हुई थी उस समय और उनको शासक बनाया गया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। तो ऐसी स्थिति में जब गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था तो अल्पवयस्क विक्रमादित्य थे और वहां रानी थी कर्मावती, कर्मावती जिसको कर्मवती के नाम से भी जाना जाता है, कर्मवती। तो इस कर्मावती ने सहायता के लिए हेमाऊ से राखी भेजी, यानी कि राखी भेजकर हेमाऊ से इस युद्ध में सहायता मांगी थी, किसने, कर्मापति ने, यानी कि कर्मावती रानी के द्वारा राखी भेजकर कर्मावती के द्वारा राखी भेजकर हुमायूं से सहायता मांगी। कहने का मतलब इस युद्ध के अंतर्गत गुजरात के शासक बहादुर शाह थे, अल्पवयस्क विक्रमादित्य थे, कर्मावती रानी थी और इसमें जो विजयी हुए थे वो बहादुर शाह विजयी हुए थे, विजय बहादुर शाह। और कर्मावती ने इसमें जौहर किया था,
कर्मावती ने क्या किया था? जौहर किया था। और कर्मावती के जौहर के साथ ही ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय साका के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।